हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में एक बार फिर से आपका तहे दिल से बहुत जोरदार स्वागत करना चाहता हूं। दोस्तों आप सबको पता है, हताश भी हैं कुछ लोग, निराश भी हैं कुछ लोग, उदास भी हैं, तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते फर्स्ट शिफ्ट वाले। अब तो इतना काम जरूर कर सकते हो, इस डेट से चिढ़ो मत, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ वेट कर सकते हो, 9 अक्टूबर आपकी कोर्ट में डेट लगी हुई है, स्टे अभी मिल सकता है भर्ती पर, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आप कोर्ट पर छोड़ दीजिए, आप और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, जज पे डिपेंड, छोड़ दीजिए उस डिसीजन को, ठीक है। उसके लिए बार बार मुझसे मत क्वेश्चन करिए। अब बात रहती है कि भाई इस तारीख का एग्जाम होगा, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इनको 4 महीने फालतू मिल गए, हमें समानता का अधिकार नहीं दिया गया। दोस्तों ऐसे अगर 4 महीने फालतू मिलने से किसी का नंबर आ जाता तो फिर तो कोई, अगर जो 3 साल से तैयारी में लग रहा है उसका नंबर सबसे पहले आ जाना चाहिए, उसको तो 3 साल मिल गए, आप तो अभी कूदे हो 1 साल से तैयारी में, तो उसका तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये सब बेकार की बातें होती हैं। आप उनसे पूछ के देखिए जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं, उनका उनको कितनों को उम्मीद है कि हमारी तैयारी पहली तैयारी से ज्यादा अच्छी है। बहुत कम लोग होंगे ऐसे, क्योंकि उनका भी टच छूटा पड़ा है। और कितने भी हम कह लेते थे कि पढ़ लो, लेकिन उन्हें यही था पता नहीं कब होगा एग्जाम। अब डेट आई है तो उनके भी पसीने छूटने लगे। तो ये सब बेकार की बातें होती हैं कि उनको इतना टाइम मिल गया। समानता का अधिकार, हम भी ये चाहते हैं कि सबको मिले और सबका एग्जाम हो। हम चाहते हैं, पूरे दिल से चाहते हैं कि एक ही शिफ्ट में हो और सबका एग्जाम हो, लेकिन हमारे चाहने से और आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट पे छोड़ दीजिए, कोर्ट को जो अच्छा लगेगा, जो आपके लिए न्यायप्रिय लगेगा उसको वो देगा, न्यायप्रद बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। अब इस एग्जाम को कराने में 20-25 दिन बचे हैं मात्र, इसमें कैसे हमें पढ़ना है, देखिए तरीके से पढ़ना है, वरना ऐसे ही अंधाधुंध आप कुछ भी पढ़ने लगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप ऐसे तो पहले भी पढ़ते आ रहे थे, तो अब 20-25 दिन को थोड़ा रणनीति के साथ पढ़िएगा। कैसे? अगर देखिए आपको पता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, पहले इनके बारे में बता देता हूं, फ्री मॉक टेस्ट आने वाला है। अगर आपको ये घमंड है कि हमारी तैयारी पहले से बहुत अच्छी है, तो मैं बिल्कुल 150 क्वेश्चन का जो यूपी पुलिस में आया था, 38 की जीके 37 की हिंदी इस तरीके से, और 38 का मैथ 37 की रीजनिंग, उस हिसाब से पूरा 75-75 150 नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 7-10 को एक टेस्ट पेपर आने वाला है, मॉक टेस्ट आने वाला है, उसको करके देख लो। आप अगर उसमें 200 लियाओ तो फिर समझ लेना आपकी तैयारी ठीक है, नहीं लाओ तो भाई देख लेना फिर मेरी स्ट्रेटेजी काम करेगी आपके लिए, ठीक है। तो हिंदी में क्या क्या टॉपिक से प्रश्न आए थे मैं वो आपको बता देता हूं। प्रत्यय उपसर्ग से 1 या 2 प्रश्न आए थे, पहले भी बता चुका हूं, ये आप खुद एक स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे, क्या क्या आए थे, वो सारे मैंने नीचे तक लिख दिए। और ऐसा कोई टॉपिक इनमें से नहीं है जिस पे मैंने वीडियो ना बनाया हो, दोस्तों हर टॉपिक पे वीडियो बनाया है, ये करक नहीं है कारक है, ठीक है। तो इस पर हर टॉपिक पे वीडियो बनाया है, और आपको मैं क्या कराने वाला हूं वो भी बताऊंगा। ये 2 टॉपिक बचे हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, जिन पे मैंने वीडियो नहीं बनाया है, इनकी मैं डायरेक्ट PDF आपको देने की कोशिश करूंगा कि इनको रट लो, उम्मीद रहेगी उनमें से मिल जाएगा, और नहीं तो कितने ही रट दिए फिर अलग ही मिलेगा, जब भी सही हो जाएगा वो, क्योंकि ये चीज इतनी आसान है, ठीक है। तो इसलिए घबराओ मत। अब बात रहती है कि अब इनकी तैयारी कैसे करें, क्या इनको एक दोहरे से फेरने लग जाए क्या? नहीं, मैं बताता हूं आपको दोस्तों, मैं आपको रोज 2 टॉपिक का टेस्ट लूंगा, रोज 2 टॉपिक का टेस्ट लूंगा। अब आप कहोगे जी आप कौन से 2 टॉपिक का टेस्ट लोगे, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं कह रहा हूं आप 2 टॉपिक उनको ही पढ़िए, और एक टेस्ट दूंगा आपको, उस टेस्ट को ऑप्शन सहित PDF में डालूंगा, आप उस PDF के आंसर अपनी कॉपी में पहले का ये दूसरे का भी इस तरीके से लिख लेना, और फिर उनके आंसर में वीडियो में बताऊंगा, उसी वीडियो में नीचे PDF रहेगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप अपना उत्तर लगाते चले। तो हर टॉपिक से 20-25 क्वेश्चन का एक टेस्ट रहेगा, हर 2 टॉपिक से, मतलब हर टॉपिक से 10-15 क्वेश्चन मैं उठा लूंगा, ठीक है, समझ में आ गई। तो आप कैसे पता रहेगी जी कल को कौन से टॉपिक पढ़े, तो ऐसे कर लेना दोस्तों, जो टॉपिक
जो टॉपिक का मैंने आज टेस्ट दिया है, आप इस टेस्ट को चाहे तो कल पढ़ लेना, ठीक है, कल पढ़ लेना इस टेस्ट को। आज उन दोनों टॉपिक को ढंग से पढ़ना है, पूरी रात बैठ के पढ़ना है, ठीक है, या पहले टेस्ट कर लो फिर उन टॉपिक को ढंग से पढ़ लेना है, जो तुम्हारा मन करे वैसे कर लीजिए। अगर आपके टेस्ट में अच्छे नंबर आए फिर टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको लगे ये टॉपिक हमारे क्लियर है तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका टेस्ट दे लो, आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन बने थे हिंदी में वो ऊपर ऊपर से बने थे, अब थोड़ा गहराई में जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं टेस्ट दूंगा और इससे आपको क्वेश्चन का आइडिया होगा कि कितनी गहराई तक जा सकता है, और उम्मीद करता हूं उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। हिंदी में तो आप मेरे ऊपर भरोसा कर ही सकते हैं, और पहले भी किया था, और जिन्होंने किया था उनको पता है उनके साथ क्या हुआ था, वो हिंदी पूरे 35-35 नंबर करके आए, 37 में सर, कोई कोई तो कमेंट आए थे 37 में से 37 भी करें बच्चों ने, ठीक है। तो ये बात तो रही है, डेली दो टॉपिक का टेस्ट पेपर आपको मिलेगा कल से, ठीक है। चलिए दूसरी बात क्या होगी, कल से या परसों से, क्योंकि कल मैं तैयार करूंगा तो उस तरीके से पीडीएफ बनाने में भी टाइम लगता है, ड्यूटी भी है मेरी, मुझे 10 घंटे तो ड्यूटी पे ही देने हैं, उसके बाद आपके लिए मेहनत करनी है। डेली एक मॉक टेस्ट दूंगा मैथ का, 15 प्रश्नों का, हर टॉपिक से, हर मतलब चैप्टर से, मैथ के से प्रश्न होंगे, और ऐसे आपको डेली एक वीडियो मिलेगा, तो टोटल आपको मैं मानता हूं 15 वीडियो तो मैं ऐसे आपको दूंगा, तो हर चैप्टर से भाई डेली एक क्वेश्चन आएगा, तो 15-15 क्वेश्चन हर चैप्टर से हो जाएंगे, और 15 क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी चैप्टर से नहीं, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन उठा लूंगा इन 15 क्वेश्चनों में, मतलब डेली एक टाइप हर चैप्टर से उठती चली जाएगी, और आपको डेली एक टाइप का रिवाइज हो रहा है हर चैप्टर से। तो ऐसा मैं एक डेमो में वीडियो डाल भी चुका हूं, आप देख सकते हो, मॉक टेस्ट 1 मैथ का देख सकते हो, ठीक है। अब दूसरा भी आएगा, दूसरा आज आ सकता है या कल तो आएगा ही आएगा, ठीक है, तो उसकी भी आप तैयारी रखें। तो ऐसे मैथ का रिवीजन डेली डेली चलेगा, क्योंकि अब चीजें पढ़ तो ली हैं, अब आप नए तो नहीं हो, बिल्कुल फ्रेशर तो नहीं हो, तो आप ये देखो आप किस टॉपिक को गलत कर रहे हो, आपका दिख रहा है आपको लाभ हानि मेरा रोज गलत हो रहा है, तो लाभ हानि की वीडियो पढ़ डालो ना दोस्तों एक बार, 5-6 वीडियो ही तो है टोटल, उनको पढ़ लो बैठ के, फिर देखो लाभ हानि का, भला अगले वीडियो जो आएगी उसमें गलत हो भी जा मॉक टेस्ट में तुम्हारा, ठीक है। तो और वीकली या 15 दिन में एक टेस्ट आपका ऐसा ले लिया करेंगे, फुल्ली मॉक टेस्ट, जिसका प्रिंट निकलवा करके आप डिस्क्रिप्शन में से और घर पर बैठ के 2 घंटे में करोगे, चरणबद्ध तरीके से तैयारी बता रहा हूं आपको। चलिए बात रही रीजनिंग की, तो इसका क्या करें दोस्तों, रीजनिंग पे तो मैंने हर टॉपिक पे वीडियो बना रखी है, जो देखिए रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है सबको करना आता है, तो रीजनिंग का जो टॉपिक आपका कमजोर है, कैलेंडर है, घड़ी है, रिश्ता है, दिशा है, जो भी कमजोर है उस टॉपिक को पूरा उधेड़ डालो, उस टॉपिक की सारी वीडियो पढ़ डालो, आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर भी आपको लगे हमारी रीजनिंग तो कंप्लीट है, तो एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट खरीद लाओ बाजार से और उसकी रीजनिंग कर डालो। मैं तो नहीं कहता प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, पर रीजनिंग तो सबकी एक सी, और सबसे अच्छी तो वो जो तुम्हें अटकाए, यूपी में ऐसी तो आई थी, और आप ऐसा प्रैक्टिस सेट खरीदो जिसकी रीजनिंग बहुत हार्ड हो, मजा तो तब आएगा रीजनिंग में, ठीक है ना, क्योंकि रीजनिंग को आप ऐसा मानते हो ना कि सबने कर ली, ये तो आती ही है, ठीक है, और रीजनिंग ने तुम्हारी रेट निकाल दी थी पेपर में, बुरा मत मानना, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, मुझे पता है आप सबसे ज्यादा परेशान इसी में हुए थे पेपर में, क्योंकि ये पेपर में 55 नंबर की आ गई थी और किसी के 35 और किसी के 40, 40 से ऊपर तो कोई दिख रहा था जिसके, और जो 40 से ऊपर गया था ना उसके 250 प्लस थे, ये समझ लो इतना फर्क था इसका। अब बात रहती है जीके और यूपी जीके और करंट अफेयर्स की, दोस्तों मैंने बताया जीके यूपी जीके, जीके के लिए ल्यूसेंट, इससे अच्छी कोई किताब नहीं आपका, इससे तो मिला ही नहीं था इस बार, तो दोस्तों वो किसी से भी नहीं मिला था, अगर इससे नहीं मिला था, सबसे ज्यादा मिला था तो इससे मिला था, और किसी को, किसी ने 10 भी किताब पढ़ ली है ना उसको भी उतना ही मिला था जितना आपको मिला है, ठीक है, उससे सच्चाई पूछ लो चाहे तो। यूपी जीके की बात करें तो काफी गहराई से क्वेश्चन थे, अलग अलग जिलों की अलग अलग संस्कृतियों से क्वेश्चन थे, तो भाई वो तो देखिए आपको थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा, यूपी जीके की कोई बुक आ रही हो तो वो पढ़ डालो, ऑब्जेक्टिव टाइप हो तो ज्यादा अच्छा है, तो जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ लीजिए, मैं नहीं समझता इसमें हम भी कुछ लिखवाएं और उसमें से आपको सब कुछ मिल जाए, तो इसमें तो देखिए तुक्का है, सीधी सी बात है, बहुत गहराई में भी जा सकता है,
ठीक है, करंट अफेयर, करंट अफेयर्स आप पढ़ के रखो, जिन बच्चों ने पढ़ी थी बिल्कुल उनको मिले भी थे पिछली बार क्वेश्चन, लेकिन कुछ खास नहीं था करंट का, 2-3-4 क्वेश्चन मिल रहे थे बस। इस बार हो सकता है रेशो बढ़ जाए, तो पत्रिकाएं आती हैं बाजार में, मासिक पत्रिकाएं जो भी आपको मिले, सक्सेस मिरर मिले या सामान्य ज्ञान दर्पण मिले, तो पिछले जनवरी से, यानी जनवरी से लेकर के और अब तक की सितंबर तक की सारी पढ़ डालो, ठीक है। तो ये 7-8-9 महीने का करंट आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और जो कंटिन्यू करंट पढ़ते रहे भाई, उन्हें तो विशेष फायदा होगा ही होगा, तो थोड़ा रेशो इस बार बढ़ सकता है करंट अफेयर्स का। तो मैं कहता हूं जीके पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना आप अपना, बाकी चीजों को स्ट्रांग कर लो। मैं कहता हूं हिंदी 37 में से 37 दिला सकती है आपको, अगर आप इस पर थोड़ा टाइम व्यतीत कर लो तो। तो आप अगर आपके जीके में 2-4 कम होंगे तो आप सबको यहाँ पीछे छोड़ सकते हो, ठीक है। हिंदी की प्रैक्टिस के लिए मैं बैठा हूं, मैं पूरे 37 में से 37 कराऊंगा, ये मेरा दावा है आप लोगों से, ठीक है। झूठ नहीं बोल रहा हूं, झूठ का तो मुझे सख्त नफरत है, कोई और भी बोलता तो यार सच बोलने का ही टाइम नहीं है, तुमसे मैं झूठ बोलूंगा भला, ठीक है। यहाँ मुश्किल से टाइम मिला है ऐसी वीडियो बनाने का तुम्हारे लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, और इस तरीके से हम तैयारी करेंगे, वो पूरा शेड्यूल आपको मिल गया होगा। नहीं आई ये बात समझ में कैसे तैयारी करेंगे, तो अब जब वीडियो आएंगी तो उससे समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे, वहां मैं खोल के बता दूंगा अपनी बात को, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूं अब आप पूरी तरह से मेरे साथ रहेंगे, और पेपर को पूरा 250 का टारगेट लेके चलेंगे। चाहे वो बात अलग है कि तुम 200 ही कर पाओ, वो तो देखो तुम्हारी गलती रहेगी, अगर जिस हिसाब से मैं चलाऊंगा तुम्हें वो तुम 250 से ही पहुंचोगे। अगर तुम ये कह दो ना पेपर देने के बाद कि जी आपके तरीके से 250 आ ही नहीं सकते, अगर कोई बच्चा ये कह दे तो भाई आप ऐसा करना कि मैं चैनल बनाना मतलब वीडियो डालना ही छोड़ दूंगा इस चैनल पर, अगर एक भी बच्चा ऐसा कह देगा कि आपके तरीके से 250 आ ही नहीं सकते थे। बिल्कुल आएंगे और सबके आएंगे, लेकिन सबके आते नहीं है मुझे पता, कि कुछ लोग तो ऐसे ही अजी फेंकरा होएगा ऐसा कह रहे होंगे, जो ऐसा सोचेंगे उनके कभी आ सके। चलो दोस्तों उम्मीद करता हूं ठीक है, अब जो भी समझ में आया आप मेरी बातों को जरूर समझेंगे और सीरियस लेंगे, ओके। और एक बात और कि इस तरीके से तैयारी होगी तो इसको अपने जो आपको लगते हो कि आपका यारा पारा है और इसको भी मैं भर्ती करवाना चाहता हूं, तो दोस्तों मेरे चैनल से जोड़ देना, मैं गारंटी है मैं उसको भर्ती करा दूंगा इन 25-26 दिनों में, ठीक है। अर्जुन जो कहते हो इसका तो नंबर ही ना, ये तो मेरी आंखों में खटक रहा है, इसका तो नंबर ही ना देखना चाहूं, उसे बिल्कुल मत भेजना चाहे, वो अपने आप ही पहुंच जाएगा इधर उधर से, वो तुम्हें नहीं बताएगा, तुम उसे मत बताओ तुम कहां से पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो ओके, क्योंकि पढ़ दोनों वहीं से रहे होगे, इससे यहाँ रोजगार विधन, ओके बाय बाय। घमंड की बात नहीं है, मजाक की है, बाय बाय।